लेकिन ती बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो, खूब पियो और भिड़के मत जाओ, किसी का कुछ नहीं जाना। जान जावेगी उस माँ के बेटे की जो घरा थारा इंतजार कर रही है, जान जावेगी उस बाण के भाई की जिस बाण में अपने भाई तो बिड़के दुनिया में कुछ नहीं लगता, जान जावेगी उस बाप की जो सोचा करता और क्या करता कि मने तो दिलेर पैदा कर रखा है, शेर पैदा कर रखा है। तो भाइयों यो नशा करना है तो इस मट्टी का नशा करो, जो डूबे हैं गिलासों में नौ भरे जिंदगानी में, जो डूबे हैं गिलासों में नौ भरे जिंदगानी में, मरे हैं डूब कर लाखों बंद बोतल के पानी में, बंद बोतल के पानी में। क्योंकि मैं अपने वीरा की बात तो बाद में करूंगी, सबसे पहले नशे की डेफिनेशन दे रही हूँ कि नशा क्या हुआ है, नशा करना है इनकी तरह। एक बात बताओ, जब हम नशा करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जा सकते तो अपने घरा क्यों कर चले जाओ हो, जिस घर में थामने जन्म देने वाली माँ देवी जी सी बाण और थारे खतर खून पसीना एक करने वाला वो बाप रव है, घर तो मंदिर से भी बड़ी कोया करे भाईयो, इस नशे ना छोड़ दो। मैं नू नहीं कहती, मैं बात क्यों बता रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई थे बादरा के स्पेशल, जी ने नू कहा कि वे आप आओ ना तो दो मिनट नशे पे जरूर बोलियो। कितने परिवार इस नशे ने तबाह कर दिए, कितने घर इस नशे ने उजाड़ दिए। मैं नू नहीं कहती कि दोस्त में मत बैठो, पार्टी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, महफिल में जरूर बैठो क्योंकि जिंदगी है, एंजॉय करनी चाहिए, जवानी है एंजॉय करो, पर जिंदगी जीने में और भविष्य बर्बाद करने में हमने फर्क पता होना चाहिए। महफिल में जरूर बैठो पर यो नशा करना छोड़ दो, जो थमने देख के जीवे हैं रउन ने रुआना छोड़ दो और किसी का कुछ ना जाना है, थार ये जिंदगी है भाई। रहमा बाप जिस राह पे नाते हैं उस राह पे जाना छोड़ दो, उस राह पे जाना छोड़ दो।